एक स्थान पर जीर्णधर नाम का बनिया का लड़का रहता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में विशेष संपत्ति तो थी नहीं, केवल एक मन भर भारी लोरी की तराजू थी। उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर वह विदेश चला गया। विदेश से वापस आने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर वापस मांगी। महाजन ने कहा वह लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली। बनिए का लड़का समझ गया कि वह उसकी तराजू को देना नहीं चाहता, किंतु अब उपाय कोई नहीं था। कुछ देर सोचकर उसने कहा कोई चिंता नहीं, चूहों ने खा डाली तो चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं, तुम इसकी चिंता न करो। थोड़ी देर बाद उसने महाजन से कहा मित्र, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वह भी ना आएगा। महाजन बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को उसके साथ नदी स्नान के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहाँ से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बड़ी सी शिला रख दी जिससे वह बचकर भाग न पाए। वहाँ उसे वहाँ बंद करके जब वो महाजन के घर आया तो महाजन ने पूछा, मेरा लड़का तो तेरे साथ स्नान के लिए गया था, वो कहाँ है? बनिया ने कहा उसे चील उठाकर ले गई। महाजन बोला ये कैसे हो सकता है, कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? बनिया बोला भले आदमी यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो ये भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते, तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे दे। इसी तरह विवाद करते हुए दोनों राजमहल में पहुंचे। वहाँ न्यायाधिकारी के सामने महाजन ने अपनी दुख कथा सुनाते हुए कहा कि इस बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया। धर्माधिकारी ने बनिए से कहा इसका लड़का दे, इसको दे दो। बनिया बोला महाजन उसे तो चील उठा कर ले गए। धर्माधिकारी बोला क्या कभी चील भी बच्चे को उठा कर ले जा सकती है? बनिया बोला प्रभु यदि मन भर भारी तराजू चूहे खा नहीं सकते तो चील भी बच्चे को उठा कर ले जा सकती है? धर्माधिकारी के प्रश्न पर बनिए ने अपने तराजू का सब वृत्तांत कह सुनाया।